बाद में ट्राई करते रहना, घर इसीलिए था, ठीक है, घर में ट्राई करते रहना। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ऑन एनर्जी कंजर्वेशन एंड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला प्रॉब्लम ये लेते हैं, let's start with this basic question एकदम, अच्छा पूछने का मौका मिला, ठीक है, सो वेल दिस वन फॉलो करने का, कॉपी करते रहो, डोंट वेट अराउंड। यू हैव बीन गिवन टू चार्जेस, ठीक है, मास कैपिटल एम है, चार्ज कैपिटल क्यू, या मास स्मॉल एम है एंड चार्ज लेट से माइनस क्यू, ठीक है। क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, बेसिक मेन स्टेप, बहुत पाती बेसिक मेन स्टेप है। क्वेश्चन आपको बोला हुआ है कि लेटर ऑन इनिशियली रहा, इनिशियली जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज कैपिटल डी, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि सर दोनों तो अट्रैक्ट करेंगे, क्यू माइनस क्यू है, तो इवेंचुअली अट्रैक्ट ईच अदर एंड एट सम लेटर स्टेज यू फाइंड दैट, या यू फाइंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम, दीज आर लाइक पॉइंट चार्जेस, ठीक है, डायमेंशन नहीं, तो डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स हाफ डी बाई टू एट लेटर इंस्टेंट। बेसिक मेंस लेवल प्रॉब्लम, आपका काम है कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल कैपिटल एम, इसका स्पीड कितना है ये निकालना, আমার মনে হয় তখনই আমি ড্র করে দিতে আমার মনে হচ্ছে না না তুই মানে ভাই এক চিজ বলো তুম লোক তুম আর সাহেব মিলকে উস ইসকো মানে কা কা দ্বারা নাম ডালিয়ে কা বলে নাই বলে হ্যাঁ বস তো আচ্ছা শুনিয়েগা when the separation at later instant becomes d by 2 ঠিক আছে আপকো कैपिटल एम का स्पीड निकाल, अच्छे से बात सुना करो, एक ही चीज पांच बार रिपीट ना करना हो, अल्टीमेटली हम कर ही देते हैं, ठीक है, बट ट्राई करना कि ना करना, यस डेफिनेटली व्हाई नॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, इनिशियली यू हैव टू पार्टिकल्स क्यू माइनस क्यू, मास एम कैपिटल एम स्मॉल एम, स्मॉल एम को फॉर कन्वीनियंस कैपिटल एम बाई टू ले लेना, लेट्स से ये रिलेशन दिया हो, सो दैट लेट्स से कैलकुलेशन बिकम्स इजीियर, ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर इलेक्ट्रोस्टैटिकली एंड इन अ लेटर इंस्टेंट द सेपरेशन बिकम्स हाफ, आपको वी वन निकालना। वन थिंग दैट इज गिवन इज दैट यू इग्नोर व्हाट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, अगर वो करने गए माशाल्लाह मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, ग्रेविटेशन अगर फोर्स रहा भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन वर्किंग ज्यादा हो जाएगी, तो यू इग्नोर द ग्रेविटेशनल फोर्स, यू टेक इट अकाउंट ओनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, हाँ करना है करो, ट्राई करो, इट्स अ बेसिक सिंपल वन, वेरी फंडामेंटल, अंडरस्टैंड, दोनों का रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट, दोनों मूव करें, दोनों वेलोसिटी एक्वायर करेंगे, आपका काम है बस कैपिटल एम का वेलोसिटी निकालना, ठीक है, ओके सिखाते हैं अच्छे से सीख लो सुन लो, ठीक है, बाद में करना, कर पाओगे जितने दिन में हो गया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, सुनो, पहला चीज है कि दोनों सामने क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग, ठीक है, फोर्स पता है दोनों पे एनी इंस्टेंट के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी, तो आपके दिमाग में आएगा सर फोर्स अगर वेलोसिटी निकालना है यू कुड फाइंड एक्सीलरेशन एंड देन यू कुड फाइंड वेलोसिटी, बट फोर्स सिंपल फोर्स नहीं, इट्स वन बाई आर स्क्वायर, तो अगर तुम सिंपल एफ इक्वल्स टू एम ए करके इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी करके वी निकालते हो दैट विल बी टेरिबली लॉन्ग, तो ऑब्वियसली आप बेसिक काइनेमेटिक्स यूज नहीं करोगे, व्हाट इज अनदर मेथड, यू कुड गो फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम, फोर्स से वेलोसिटी निकालना है तो वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम आता है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, एक्चुअली वर्क डन बाई सिर्फ दिस नहीं, वर्क डन बाई दिस एज वेल लेना पड़ेगा, अगर आप अप्लाई करो योर वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द एंटायर सिस्टम, सिस्टम पे अप्लाई किया, वर्क डन बाय फोर्सेस ऑन बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू
चेंज इन कार्डियोलॉजी ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है ओके। अगर किसी को मन किया कि सर मैं वॉकडन बस एम पे लिखूंगा, ठीक है लिखो, हमको कोई इश्यू नहीं है, बट इसका इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट डी बाई टू नहीं होगा, आपको ये अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप जो वर्क करोगे फोर्स के लिए एफ डॉट डीएल कर रहे हैं ना, तो डीएल के लिमिट्स कहाँ पे होंगे, व्हाट आर द लिमिट्स, ये अगर यहाँ से मेजरमेंट शुरू कर दो जीरो टू व्हाट अमाउंट, दैट इज नॉट डी बाई टू, ये भी कुछ मूव किया, ये भी कुछ मूव किया, सब बोल दे रहा हूँ, रुक जाए एक बार, रुक जाए एक बार जीएस, ठीक है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम वर्क डन पूरे सिस्टम पे लिखते हो, पूरे सिस्टम पे वर्क डन बोथ फोर्सेस फ्रॉम बोथ साइड्स, इसका वर्क नोटिस करो सर, इसका वर्क भी पॉजिटिव, इसका वर्क भी पॉजिटिव, सर ये अगर ए के लिए मूव करे या बी के लिए, अच्छा ए प्लस बी कितना होगा, डी बाई टू, ठीक है। टोटल वर्क लिखना ईजी है, ठीक है, बाय सिंपल इंटीग्रेशन एक बार तुमको टोटल वर्क मिल सकता है, बट यू वॉन्ट बी एबल टू ऑब्टेन वर्क डन ऑन एम इजिली, मिलेगा इजिली नहीं, क्योंकि सर इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ए होगा, आप जब इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी लिखते हो यार डिस्प्लेसमेंट का लिमिट्स लेना पड़ेगा ना, तो लिमिट्स कहां से कहां लोगे, ठीक है, डी से डी बाई टू फटाक से मत कर दो, देखो इस वजह से डी टू डी बाई टू कर दे रहे, बोल लेने पिक्चर 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 पिक्चर, डी से डी बाई टू और करते हो, व्हाट डज इट फिजिकली मीन, सोचो इस बंदे पे फोर्स है एफ ए, अगर आप डी से डी बाई टू कर रहे हो मतलब सॉर्ट ऑफ ये बेसिकली मूव कर रहा है ओनली डी बाई टू डिस्टेंस, डी से डी बाई टू डिफरेंस कितना हो, डी बाई टू, ठीक है। अगर यहाँ पे एफ ई डॉट डी एल करते हो यानी अप्लाई करके डी टू डी बाई टू लिमिट्स, तुमको एक्चुअली जो मिलेगा इट विल बी द वर्क ऑन बोथ ऑफ देम टुगेदर। अगर आप सिर्फ इस पे ले रहे हो, सिर्फ इस पे, आप सोच रहे हो वर्क का डेफिनेशन लगा के सोचो, वर्क ऑन एम ओनली एफ डॉट डी एल, ठीक है, तो डी एल इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ है, इफ यू टेक दिस एज योर ओरिजिन दिस लोकेशन, यहाँ से यहाँ तक ना हुआ है तो ये डिस्टेंस डी बाई टू थोड़े है, मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं, डी अच्छा जो एटा डी बाई टू आर एटा डी बाई टू आर मैंने एक गोटाटा डी एटा की कोर्ट से वही सर कादम देते क्लियर ऑब्जर्व करो, ठीक है। नहीं नहीं अच्छा बात बोले, बोलना चाहिए सर, मेन चीज है उसको मिल के एक्सपीरियंस हो गया, मेन चीज है मेक दिस ऑब्जर्वेशन प्रॉपर कि सर अगर तुम एम पे सिर्फ वर्क लिख रहे हो, यू कुड राइट वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्ड में एफ ई ऑन एम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी चेंज ऑफ एम ओनली, लेकिन तुम्हें इसका डिस्प्लेसमेंट जानना पड़ेगा। अब आता सर निकालोगे कैसे, और किसको यही मन कर रहा है यूज, अब यहाँ पे पूछते हैं क्या यूज कर सकते हो, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट, सर व्हेनेवर एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट, रिकॉल कर लेते हैं सर, अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है देन उसका सेंटर ऑफ मास घंटा मूव करता है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास लेट्स से यहां पे, लेट्स से कहीं पे बोल रहा हूं यहीं पे, इवन इन द फाइनल केस इट विल रिमेन अनचेंज्ड, या तो सेंटर मास में से करते क्रॉस करके दिखाते थोड़ा रिकॉल करो, सेंटर मास बाद में भी यहीं पे, अब सेंटर मास के एक्सप्रेशन में कहा था एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, याद है, तो एक्चुअली थोड़ा लिख ही लेते हैं चलो, अच्छा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बोथ द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, राइट, एसीएम जीरो एंड वीसीएम भी जीरो, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज जीरो। यहां पे क्या बोलते हैं, तो कितना कुछ रिवाइज हो रहा है सर, एक्सीएम वुड रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाई टोटल मास विल बी कॉन्स्टेंट, यू विल टेक इट्स डेरिवेटिव, एम वन डेल एक्स वन प्लस एम टू डेल एक्स टू, डिनोमिनेटर छोड़ो ये क्या हो जाएगा जीरो, डेल एक्स वन डेल एक्स टू कौन है, डायग्राम में देखो सर, डेल एक्स वन इज दिस मच एंड डेल एक्स टू इज दिस मच, वॉट इट, डेल एक्स वन प्लस डेल एक्स टू करोगे न्यूमेरिकली इट विल बी व्हाट, डी बाई टू, टोटल डी है ये डी बाई टू है, तो इन दोनों का एड करके कितना मिलेगा, डी बाई टू, एक यहां से रिलेशन एक वहां से रिलेशन तुम सॉल्व करके डेल एक्स वन निकाल सकते हो, ठीक है ओके। अब वो देखना पड़ेगा कितना है डेल एक्स वन कितना आर, डेल एक्स वन जो आएगा अब तो चाहो तो तुम एफ ई डॉट डी एल करो ओनली ऑन एम, बस लिमिट्स क्या लोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है जीरो टू वो डेल एक्स वन, गॉट इट, यहां से आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किसका मिलेगा ओनली ऑफ एम कैपिटल एम, बात समझ में आ रही है, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस, ऑब्वियसली रिक्वायर्स के बिलीव इनका जाकर रिवाइज करो, ठीक है मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, सुनो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जो लोग लाइक रिवाइज करना चाहते हैं पूरा बैठ के थ्योरी नहीं पढ़ने का, पहले से ही बोलो ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी लो
ऑब्जेक्टिव बुक से वो चैप्टर करना शुरू करो। जैसे ही अटकोगे कि सर सब सेंटर मास शुरू किए, अब वो सेंटर मास का फॉर्मूला ही नहीं पता, अब फॉर्मूलाज देख लो, ठीक है, फॉर्मूलाज देख लो, नोट्स देख लो एक बार, देन स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम्स। कोई भी चैप्टर पिक करके रिवीजन शुरू करो, स्टार्टिंग के चैप्टर्स डायरेक्टली रोटेशन में ऑब्वियसली नहीं घुसोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के ये चैप्टर सब रिवाइज करना शुरू कर दो तुम लोग घर पे, ठीक है। वर्क एनर्जी एंड ऑल, तो सुनो यहाँ पे एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, पहले ये क्लियर करो सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट, लेकिन सेकंड वाले में तुमको थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा, क्लियर है बात। हाउएवर वी कैन अवॉइड ऑल दिस, क्यों सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव, सर व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, व्हाई नॉट इनवोक द कॉन्सेप्ट ऑफ डेल यू और माइनस डेल यू जो भी होता है। डेल यू क्यों पढ़ाया गया, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट टाइम एंड अगेन, डेल यू पढ़ाया गया ताकि आपके पास एक रेडीमेड फॉर्मूला रहे, आपको बार बार वर्क इंटीग्रेट करके नहीं निकालना। अरे डेल यू इसीलिए तो पढ़ते हैं, आपकी बात समझो, ठीक है। आपका पहला ही अप्रोच दिमाग में पहले ही आना चाहिए कि सर एनर्जी से करेंगे, वी शुड नॉट गो फॉर वर्क। तो जैसे कोई बोल रहा था एनर्जी मोमेंटम से कर रहा है, एकदम सही है, ठीक है, जिसके दिमाग में एकदम वही कर रहे हैं, एनर्जी से करेंगे, वाई शुड गो फॉर बिग वर्क। आपको इंटीग्रेशन समझ रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स से फिर से करना पड़ेगा, माइनस वन बाई एक्स लिमिट क्यों कट हो गए, डेल यू इसीलिए तो पढ़ाया गया आपको, गॉट इट। तो प्रॉब्लम करने का जो इजियर एंड प्रॉपर मेथड है सही में, आप क्या करोगे During this entire evolution, apply energy conservation, conservation of energy. लेकिन conservation energy से नहीं आएगा पूरा आंसर, क्योंकि there will be two unknowns, this velocity and the other one. ठीक है? So we have two unknowns, v1 and v2. We'll need one more equation. तो अभी सुतनंद ने बोला था, सर यहाँ पे आप conservation of momentum भी कर सकते हो। आप conservation momentum क्यों कर पाओगे? Condition क्या था? Recall करो theory. एक ही चीज सर, एक्सटर्नल फोर्स जीरो का कंडीशन ही होता है, व्हेनेवर एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ऑन अ सिस्टम यू कैन कंजर्व टोटल मोमेंटम। बस आपको मोमेंटम कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा है। थोड़ा क्लास 11 रिकॉल करो, देयर वर मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स जहां पे इन दोनों से ही प्रॉब्लम सॉल्व होता था। वर्क एनर्जी के बाद ऐसा हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिले थे, ग्रेविटेशन का चैप्टर बोलो उसके पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जहां पे इन दोनों से ही काम बनता था। तो आपको फिर से वो दिन आया, देयर आर बंच ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स इन मेंस एंड एडवांस जो ये सब चीजों के ऊपर बेस्ड होते हैं। पोटेंशियल जी एक बार पढ़ लिया, अब इनको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सब मेन स्टेप है, एकदम बेसिक, फटाफट होना चाहिए। अच्छा लॉजिक थ्योरी क्लियर है? किसी को पूछना है कि सर कैसे हुआ एनर्जी, क्या मोमेंटम, पूछ लो पूछ लो। अरे अश्विन की सिली डाउट पूछोगे, भटक के लेकिन पूछो, कोई बात नहीं, नो इश्यूज, ठीक है। कोई ना कोई आंसर कर ही देगा, मैं करूँगा, ठीक है, बोलो। हाँ डेफिनेटली डेट इम्प्लाइज कि सर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, डेल क्या समझा रहे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और लेकिन जब आप ज्योमेट्री लगाओगे, मैंने सर इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड ही लेना, दैट विल बी डी बाई टू, दिस माइनस दिस मत करना, यहाँ से जो माइनस आता है सिंपली इम्प्लाई करते वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। ये लॉजिक क्लियर है हर एक पार्ट में? इससे हम लोग कुछ वर्किंग नहीं कर रहे, बस इससे मैं समझा रहा हूँ। हर प्रॉब्लम में देखना, जब पहली बार लेता हूँ मैं समझा लेता है कि कैसे सोचेंगे एग्जाम टाइम में, यही जल्दी जल्दी सोचना है। हम लोग 15 मिनट लेकर सोचेंगे तो हो गया हम लोग कुछ, आठ घंटे चार्टर प्रॉब्लम एखे कर लम चार्टर प्रॉब्लम केमिस्ट्री और मैथ्स से। तो सर सर फोन नंबर ऐसे सर, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया, देख ले ऐसे होता है। अच्छा आ गया, अच्छा आता है बोलने का इसको, तो सॉल्व कर लियो गाइस। यस सो पहले वाले में एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये के होगा तो कितना आया होगा, के यू स्क्वायर बाय डी, यहाँ पे स्मॉल एम को कैपिटल एम बाय टू था, कैपिटल एम बाय टू चलो ना, हमी दी ना, हमी कौन दी ना, ना ना हमी दी ना रे चाहिए। तो एम में आपका एम कॉमन ले लेते, यहाँ पे वी वन स्क्वायर, स्मॉल एम में एम बाई टू और वी टू स्क्वायर में फोर वी वन स्क्वायर,
सो मोमेंटम कंजर्वेशन है एनर्जी दोनों को मिला लेना, अब यहाँ पे आपका वी वन आ जाएगा। तो रूट थ्री एम डी। सो ये रहा आपका स्पीड। सो इट्स वेरी रूडिमेंट्री प्रॉब्लम, वेरी रूडिमेंट्री प्रॉब्लम, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ दिस टाइप। इसका डेटा गुलबल है, एकदम नहीं, कुछ भी ले लेते हैं लोग। मैं खुद सोच रहा था क्वेश्चन का वो समट लाइक दिस। अच्छा रुक जाओ, यस यस इट्स लाइक अ डंबल। या फॉलो करो अगेन मेंस टाइप, ठीक है। क्या बोला मैं देखो सुन लेना। वो तो हम डिसाइड करते ना, हमको ना समझ में आ जाता है ना। ये स्कूल वाला ओलंपिक नहीं है, इन्हें वो नहीं है। सुनो क्वेश्चन ये रहता है, यू हैव टू बीड्स, ठीक है, चार्ज, ठीक है, एंड दे आर फिक्स्ड एट एंड्स ऑफ अ लाइट इंसुलेटिंग रॉड। डेटा कॉपी करते रहना। ये जो बीच में येलो रॉड है दैट्स अ लाइट इंसुलेटिंग रॉड। लाइट एज मासलेस इंसुलेटिंग चार्ज ट्रांसफर करने देगा नहीं, एंड दीज आर टू बीट्स। ये क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। मास एम एंड एम, ठीक, मास सेम, चार्ज क्यू एंड क्यू, चार्ज भी सेम। बढ़िया, क्वेश्चन में बोला हुआ है, लिख लो पहले। एग्जैक्टली, गुड ऑब्जर्वेशन, यस दे कैन नॉट कम क्लोजर, ठीक है सर। फिक्स भी है एट द एंड्स, वो भी रिजिड है, चलो गुड। ये भी वॉट देते हैं सर, रिजिड रॉड है, लाइट मासलेस, किसके खुद का कोई मास नहीं है। अब वो सर ज्यादा सोच लिया, मोमेंट विनर्स लेना शुरू कर दिया, हो गया। अब बोला क्या है ये सुन लो आप, बाद में कॉपी कर लो। बोला देयर इज अ थर्ड नॉन कंडक्टिंग बॉल सी इन अ बीड, देयर इज अनदर बीड ऑफ हेयर सी, ये भी नॉन कंडक्टिंग है एंड इसका भी मास एंड चार्ज क्यू। अच्छे से पहले सुन लो फिर कॉपी करना ये पार्ट। देयर इज अनदर बीड एंड दिस बीड इज फ्री टू मूव, फ्री टू मूव ऑन रॉड। यहाँ पे और ऐड कर देते हैं तो सर स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं लेना आपको, पूरा फ्री टू मूव है, इट कैन मूव। हाउएवर इनिशियल स्टेट कैसा है सुनो, इनिशियली सी को मिड पॉइंट पे नहीं रखा, सी को तो साइड में रखा, डिस्टेंस उन लोगों ने दे दिया है, दिस मच इज डी एंड दिस मच इज थ्री डी, टोटल लेंथ 40। शांति में सुनना पड़ेगा, वो होगा हले हले हले, मेन काम कर लें। डी एंड थ्री डी पे हेल्ड है द सिस्टम, एंटायर सिस्टम इनिशियल स्टेट हेल्ड एट रेस्ट, सिस्टम हेल्ड एट रेस्ट आउटर स्पेस में कहीं पर। इमेजिन करो आउटर स्पेस में रॉड को, ये सब ग्रेविटी फेविटी कुछ नहीं है, तो नो म्यूचुअल अट्रैक्शन भी नहीं लेना आपको, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो लेना सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आउटर स्पेस में इस रॉड को कोई पकड़ के रखा है, सी को भी पकड़ के रखा है, ठीक है, एंड देन सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम इज रिलीज्ड। आप सुनिए अच्छे से, सिस्टम रिलीज करने का मतलब सिर्फ सी को नहीं, पूरे सबको छोड़ दिया,
स्टार्टिंग में द रिपल्शन वुड बी म्यूचुअल, सी बाकी दोनों को, अगर सी को कुछ रिपल्शन फोर्स मिल रहा है बाकी दोनों से तो रिएक्शन फोर्स भी उन लोग पे है। स्टार्टिंग में सबको पकड़ के रखा हूँ, मतलब लेट्स से मैं बी को पकड़ के रखा हूँ, बी को अगर पकड़ा हूँ तो रॉड और ए भी रेस्ट पे और सी को भी पकड़ के रखा हूँ, एंड देन आई एम रिलीजिंग द एंटायर सिस्टम फ्रॉम रेस्ट। अब दोनों को रिलीज कर दिया तो सिस्टम इज रिलीज, नॉट जस्ट सी, दोनों को रिलीज कर दिया तो टेक्निकली यू हैव टू अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर फ्री टू मूव। ठीक है, स्पेस में जब रिलीज करेंगे सिर्फ सी मूव नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्सेस द येलो वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, ए बी को एक सिंगल सिस्टम पकड़ सकता है, दे आर रिजिडली कनेक्टेड, ए बी भी मूव कर सकता है, यू हैव टू लाइक गो फॉर दिस पॉसिबिलिटी सो दैट मे ऑल्सो हैपन। ठीक है, क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? इस पे कुछ फोर्स काम किया, इस पे किसके कारण काम करेगा? बाकी दोनों कारण उन पर भी रिएक्शन होगा, अब अगर ये मूव करे तो बाकी लोग भी मूव करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? सो इसे अगर मूव किया तो वो नहीं मूव कर सकते उसके साथ साथ, और जो कंफ्यूजन वो कैलकुलेट करो तो क्लियर हो जाए। सो एनीवेज यहाँ पे जैसे क्या बोला है, यहाँ पे स्टेटमेंट एक्चुअली है ऑल द बॉल्स आर साइमल्टेनियसली रिलीज्ड, ऑल द बीट्स और बॉल्स आर साइमल्टेनियसली रिलीज्ड, लेकिन ये दोनों फिक्स्ड है टू द एंड्स ऑफ द रॉड, ही इज फ्री टू मूव, द एंटायर सिस्टम इज रिलीज्ड। मैं ले देता हूँ ऑल थ्री बीट्स रिलीज कर दो, अब कोई पकड़ के नहीं रखते। क्वेश्चन पिछले बार की तरह है, यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ सी, तो सी वाला बीट है इन सब्सिक्वेंट मोशन उसका मैक्सिमम स्पीड क्या है? वही यू हैव टू थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटी कि क्या वो मूव करेंगे कि नहीं, फिक्स्ड कहां से? अच्छा बात से समझो, जब बोला ए एंड बी आर फिक्स्ड, कहां किसके साथ फिक्स्ड है? रॉड के साथ। मैं ये बोलूं सर अगर ए मूव किया तो बी भी उसके साथ साथ, रॉड भी उसके साथ मूव कर ही सकता। आई एम सेइंग ए एंड बी, वही मैं बोला ए एंड बी कैन बी ट्रीटेड एज वन सिंगल सिस्टम, मूव करेंगे दोनों एक साथ मूव करेंगे। मैं ये नहीं बोला सर ये इधर गया ये इधर गया, दैट इज नॉट पॉसिबल, रिजिड है, दोनों एक साथ मूव कर सकते ना, मे बी नॉट, नहीं नहीं समझ नहीं रहे बच्चे, बीट बीट ए मूव कर बी मूव कर हाँ रॉड भी मूव कर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, फिक्स्ड है टू द रॉड, फिक्स्ड नॉट टू एनीबॉडी एल्स, आस पास में कोई नहीं है, नोबडी इज होल्डिंग इट, मतलब ग्राउंड वॉल कुछ नहीं है, ए एंड बी एक सिंगल सिस्टम है वाया द रॉड, मतलब ए बी प्लस रॉड एक सिंगल सिस्टम, दे आर रिजिडली कनेक्टेड टू ईच अदर, तो मूव कर सकते तो गोटा एक्स से मूव करते पर, ठीक है, अब वही तो मुझे चेक करना है, मैंने अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो एक्चुअली इट विल बी लाइक सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है, आप फ्री वर्ड डायग्राम करके खुद को चेक करवाना पड़ेगा आपको कि एक्चुअली होगा क्यों, आप चेक कर लो, यू डोंट थिंक क्या सुनो दो मिनट रुका आ रहा हूँ, दो मिनट क्या बोले? हाँ वो बीड है अकॉर्डिंग एंड प्रोसीड विद द प्रॉब्लम, क्या करना है, कोई किया अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं, फॉलो करो। इतना आई गेस क्लियर है, अगर नहीं भी तो चलो बेसिक से देख लेते हैं, हाउ टू स्टार्ट एनालाइजिंग, आपको प्रॉब्लम मिला ठीक है, तो जो मैंने बोला ये मेंस लेवल है एकदम, ठीक है, कुछ हाई पे नहीं, एडवांस भी स्टेप का आता है, बट लेकिन ये मेंस में जो टिपिकल प्रॉब्लम है उसमें से ये वन ऑफ दम, एडवांस में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसी टाइप के होंगे, बहुत बाकी है। हाँ एक्ट पेपर वन ही जितना बड़ा इजी पेपर था। हाँ नहीं नहीं मैक्सिमम सुन मैं कर फॉलो करने का, हाउ डू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, नहीं सुनेगा रुक जाओ, आप स्टार्टिंग बेसिक्स, अच्छा आप बताओ
मजा आएगा। ठीक है स्टार्ट करते हैं सर। सी पे नेट फोर्स किधर होगा बिकॉज ऑफ ए एन पी, किधर आएगा किस डायरेक्शन में? द नेट फोर्स ऑन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कौन दे रहा है? फ्रॉम ए एंड बी, मैं दोनों को मिला के बोल रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू एनालाइज दोनों का नेट फोर्स इधर होगा। क्यों सर? बी के कारण ज्यादा रिपल्सिव फोर्स है, ए के कारण स्मॉलर रिपल्सिव फोर्स, नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट? सी पे और कोई फोर्स है? नहीं, एम जी नहीं है, एम जी नहीं है वर्टिकली, तो कोई नॉर्मल भी नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल आना चाहिए फ्रॉम रॉड, एक्चुअली रियलाइज करना ऐसा हो सकता है, कोई एम जी नॉर्मल कुछ नहीं है, पीछे की तरफ है, तो ऑब्वियसली यूजिंग न्यूटन्स लॉ ये पीछे आना शुरू करेगा। अब यही बात है, यूज एक्शन रिएक्शन प्रॉपरली। सर एक्शन रिएक्शन क्या बोलते हैं? सर सिस्टम वन और सिस्टम टू पे अगर एक फोर्स देता है, सिस्टम टू विल अप्लाई अ फोर्स ऑन सिस्टम वन, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो सोचा ऐसे, सी इज वन सिस्टम, उसको फोर्स मिला फ्रॉम ए एंड बी, देन द रिएक्शन फोर्स एफ यू विल एक्ट ऑन होम? ऑन ए एंड बी, नॉट जस्ट बी, ये एफ यू नेट फोर्स है फ्रॉम ए एंड बी, तो रिएक्शन फोर्स भी किस पे होगा? ऑन ए एंड बी। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम तुम चाहो तो मैं इस पर अलग से करता हूं, आप उस पूरे बीड वाले जो सिस्टम है, द बीड्स एंड द रॉड, इस टोटल पे एक सिंगल फोर्स दिखा सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन एफ ई, एंड बीड पे सी पे अलग से फोर्स दिखा सकते हैं एफ ई। बात समझ में आई? आई रिपीट, ये जो एफ ई है, नहीं नहीं दोनों पे नहीं, सिस्टम पे नेट, इस सिस्टम पे मतलब बेसिकली ऑर्डर ट्राइंग टू से किसे तोड़ तोड़ के दिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप तोड़ तोड़ के दिखने की जरूरत नहीं है सर, बिकॉज ए एंड बी विल ऑलवेज मूव टुगेदर, ए एंड बी आर बाउंड बाय अ रॉड ना, कॉन्स्टेंट, विल ऑलवेज मूव टुगेदर, तो अलग करके क्यों देखोगे? बात समझ में आ रही है? दे आर ऑलवेज गोइंग टू मूव टुगेदर, तो दोनों को एक साथ देखो, पूरे सिस्टम पे एफ ही इधर ही होगा। ए और बी पे इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूँ, नेट बोल रहा हूँ। ठीक है क्लियर? तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ एनालिसिस टेल्स यू कि सर लेटर ऑन, मैं कैसे रॉड वाले सिस्टम, लेटर ऑन थोड़ी देर बाद देखोगे तो कैसा दिखेगा सिस्टम, समवॉट लाइक दिस मे बी। ओ माय गॉडनेस, ए यहां पे आ चुका है, ए जितना शिफ्ट करेगा बी उतना ही शिफ्ट करेगा बिकॉज रिजिड रॉड, एंड सी बाय दैट टाइम मे बी, सी यहां पे आ चुका है, थोड़ा शिफ्ट किया थोड़ा सा, एक्चुअली डायग्राम इज नॉट प्रॉपर बट कोई नहीं, सब लोग अपने लोकेशन से शिफ्ट किए एज सीन फ्रॉम ग्राउंड रेफरेंस में, ऐसा सोचो कि हम लोग अलग से देख रहे हैं, ए एंड बी वाला सिस्टम भी शिफ्ट किया, सी भी शिफ्ट किया है। ओके बात क्लियर है? हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं सब ग्राउंड रेफरेंस में, किसी के रेफरेंस में जा नहीं रहे भाई, वो प्रॉब्लम भी बाकी है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मेन चीज है सी शिफ्ट किया, सी अगर शिफ्ट किया तो बाय दिस टाइम सीन फ्रॉम ग्राउंड इट हैज एक्वायर्ड सम वेलोसिटी। ठीक है, वीसी बोलता हूं क्या? हाँ वीसी बोलता हूं। ए एंड बी जो भी वेलोसिटी एक्वायर किए होंगे दैट वुड बी सेम, राइट? उसको मैं वी वी नॉट बोलता हूं। क्लियर? अब सिंपल बात है, वीसी विल वेरी। ठीक है, वीसी विल बी अ फंक्शन, ये जैसे जैसे दूर जाएगा इट विल गेन अ वेलोसिटी, फोर्स मतलब एक्सीलरेशन है मतलब वेलोसिटी विल चेंज। इतना क्लियर है कि VC विल वेरी, राइट? एक बच्चे को इतना बेसिक शेयर करोगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत ऑब्वियस लगेगा। तो पहले आप फ्री वर्ड डायग्राम से अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन से समझो कि वेलोसिटी वाले किस डायरेक्शन में एक्वायर करेंगे, देन आपको क्लिक करना चाहिए सर वेलोसिटी तो वेरी करने वाला है, अब सोचो सर VC मैक्सिमम कब होगा। तो लॉजिक सर VC अगर मैक्सिमम होगा दैट मींस dv अपॉन dt शुड बी जीरो, मैक्सिमम नहीं हुआ। इन अदर वर्ड्स एक्सीलरेशन ऑफ सी वुड बी जीरो, इन अदर वर्ड्स नेट फोर्स ऑन सी वुड बी जीरो। सी पे एग्जैक्टली, सी पे नेट फोर्स कब जीरो होगा? नॉट व्हेन इट कम्स टू दिस साइड बट एग्जैक्टली एट अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ दिस ए बी सिस्टम। दैट मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे ही कुछ हुआ कि अल्टीमेटली ये भी टोटल तो 40 है ना, तो मतलब हाँ ये 2D और ये भी। बात क्लियर हुआ? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, वो कैलकुलेशंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, मेन चीज है इसका स्पीड मैक्सिमम तभी होगा
जब ये लॉजिक पूरा होगा, बेसिक काइनेमैटिक्स देखो कैसे यूज कर रहा है, काइनेटिक्स न्यूटन का कुछ नहीं छोड़ना है, सब यूज करना सीखना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, फोर्स कब जीरो होगा, जब इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, गॉट इट, फ्रॉम ए एंड बी। इस प्रॉब्लम का एक मॉडिफाइड टिपिकल वर्जन होता है जहां पे हर चार्ज डिफरेंट है, उस केस में आपको ज्यादा खटना पड़ेगा, आपको ये फैक्ट्स होल्ड करेंगे लेकिन आपको वो इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग से निकालना पड़ेगा। याद है बोर्ड वाला प्रॉब्लम, दो चार्ज है बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे है, वो आपको खोज के निकालना पड़ेगा, उसमें और खटना पड़ेगा। यहाँ पे तो इट्स ऑब्वियस ना सर, दो सब चार्जेस इक्वल, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा, बीच में, ठीक है। तो वहां पे आके रुकेगा नहीं, भरोसा करने का, ठीक है। अगर इसमें फोर्स गारंटी नेट फोर्स एबी पे है, आपको अगर कुछ लग रहा है कि नहीं सर आप माफ इधर आएगा तब तो उधर उल्टा हो जाना चाहिए, कॉम्पेंसेट नहीं करना चाहिए, इसमें बस रिलाई करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, एफ इज नेट फोर्स ऑन ए बी, अगर इस पोजीशन को क्रॉस किया, क्रॉस तो करेगा ही सर, इनर्शिया तो है, इट विल ओवरशूट, बाकी सिस्टम का भी इनर्शिया है, दे विल ओवरशूट। नेक्स्ट टाइम और एक डायग्राम करते हैं, नेक्स्ट टाइम व्हाट शुड इट लुक लाइक, सर ये थोड़ा और सामने आया, बी और सामने गया, व्हाट इट, सी और थोड़ा पीछे गया, बट डेफिनेटली हमको पता है वन सी इंपॉर्टेंट, सी को फोकस करो, वन सी कम्स क्लोजर टू ए, एक बार क्लोजर टू ए आ गया, सी पे बस सोचो पहले, एक बार सी क्लोजर टू ए आ गया, इस पे नेट फोर्स किधर हो जाएगा, पीछे इधर सामने इधर, क्योंकि सर बी के कारण कम, ए के कारण ज्यादा, दैट मींस बाय दिस टाइम ए बी पूरे सिस्टम में नेट फोर्स किधर हो जाएगा, पीछे, ठीक है। अब इसके बाद मतलब जब मैक्सिमम, मतलब इसके बाद इतने दूर तक सी एक्सेलरेट्स, इसके बाद सी डेसेलरेट्स, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ये बाद में जाकर रुकेगा भी, ठीक है, जब रुकेगा तो बाकी सिस्टम भी रुकेगा, देखेंगे एक लॉजिक, कॉन्क्रीट लॉजिक, एंड देन उसके इट विल कम बैक, मतलब एसएसएम करेगा, एसएसएम एक्चुअली नहीं होगा, यहां पे ऑसिलेशन बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, बट ऑसिलेशन होगा। तो ये बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है स्पेस में, बाकी सिस्टम भी ऑसिलेट कर रहा है, बहुत गजब लगेगा देखने, इट वोंट कम टू रेस्ट एवर, मतलब परमानेंट रेस्ट नहीं होगा, टेम्पररी रेस्ट होगा। जैसे ये सिनेरियो, लेट्स से ये जो मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से अल्टीमेटली इधर मूव करते करते, अच्छा इसका वेलोसिटी बाय दिस टाइम इधर ही था, इट इज लूजिंग, डेसलेट हो रहा है, डेसलेट करते करते कभी ना ये वेलोसिटी जीरो होगा, तो मोमेंटरी एट रेस्ट, एक बार रुक जाओ बोलो। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि सर ये भी रेस्ट पे है तो बाकी सिस्टम भी रेस्ट पे होगा, सर पूरे सिस्टम पे एक चीज हमेशा एप्लीकेबल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर मास भी एप्लीकेबल है डेफिनेटली, कंसंट्रेशन मोमेंट मैच कर, क्योंकि सर पूरे सिस्टम पे ए प्लस बी प्लस सी, सर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो ऑन द एंटायर सिस्टम, ए प्लस बी प्लस सी। भाई अच्छा मोमेंटम कब जीरो होता है, जब व्हेनेवर पीपल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम, तो सिंपल बात है ना, इसीलिए जब तक इसका वेलोसिटी है इन दोनों का भी ऑपोजिट होगा, जैसे ही इसका जीरो होगा बाकी दोनों का भी क्या हो जाएगा उसी समय जीरो। ऐसा नहीं हो सकता कि सर इसका वेलोसिटी नॉन जीरो है बाकी लोग पीछे मूव करें ना, वेलोसिटी जीरो तो एक साथ होगा, एग्जैक्ट, ठीक है। अच्छा आप क्या बोल रहे हो, अच्छा लास्ट क्लास, ये लास्ट पार्ट है, मोमेंटम का लिखना देखिए तो कैमन माइनस आस तो अच्छा ये इस पे की आस एम वी वन इक्वल्स टू एम वी टू रादर पी ऑफ वन बॉडी इक्वल्स टू पी ऑफ अनदर बॉडी। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मोमेंटम, लेकिन बट इफ आई स्टेप जंप, थोड़ा सा अगर अभी स्टेप जंप मारता हूँ सर, कंजर्वेशन मोमेंटम से क्या मिलेगा पता है, मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी at any instant will be momentum of c at any instant, vector form mein equal and opposite, clear hua, details mein dekh lete hain, equal and opposite hona chahiye, to simple baat hai, ek value zero hua to un dono ka bhi kya hona chahiye, to jab ye rest pe hai tabhi wo dono rest pe hai, kare force to kon zero hota hai, itna agar kisi ko doubt hai bhai revise your basic work energy, isliye 11 mein starting mein spring using revise kiya tha as उस केस में, लेकिन फोर्स स्टिल
नॉन जीरो, अरे फोर्स अगर नॉन जीरो मतलब नेक्स्ट इंस्टेंट वो वापस घूम के, ठीक है, या एग्जैक्टली द नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बोला, या सिमेट्री ओबे होगा। इनफैक्ट सिमेट्री किस सेंस में, सिमेट्री पता कैसे लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन से। सर इस स्टेट में जो एनर्जी है, एक चीज सोच के देखो सिमेट्री कैसे बता रहा हूँ, सुनो सर मैंने एबीसी नाम दिया है लेकिन एनी एक्सटर्नल पर्सन विल सी, सर यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, राइट, ये डी है, ये थ्री डी है, क्लियर है ना। अच्छा सुनो, लेफ्ट की तरफ थ्री डी है, राइट की तरफ डी है। अच्छा कोई अगर पीछे से देखेगा, पीछे से उसको लगेगा सर राइट लेफ्ट की तरफ डी है, राइट की तरफ थ्री डी है, ये ना तो मिरर इमेजेस। मतलब बेसिकली ये जब सिचुएशन होगा ना, ये वाला, ये देखो उल्टा ही हुआ, ये पहला सिचुएशन का रिवर्स है, समझ में आ रहा कैसे, मतलब ये जीरो कब होगा, जब अगेन वन सेकंड ये डी होगा और ये बाकी वाला थ्री डी, ये वाला चीज ऐसा, ठीक है। स्टार्टिंग तुम अपनी तरफ से देखो, ठीक है, ये समझ ये है, ये बी है, ये वाला बी, ये सी कहां पे, क्लोजर टू बी, ठीक है। अब वही चीज मैं घुमा दू तो पहले इट इज क्लोजर टुवर्ड्स योर, आई गेस योर, क्या होगा, योर राइट, योर राइट, लेकिन ऐसे घुमा दोगे अब क्या हो जाएगा, तो वही बात है। हाँ तो मैं पीछे देख रहा हूँ घुमा, घुमा के तो मैं बोला कि जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट दे आर सिमेट्रिक एक्चुअली इन दैट सेंस। तो मतलब मैं बस बोल पा रहा हूँ कि सर ये जो फिर से जीरो होगा ना, ये फिर से डी पे ही होगा। नो नीड टू गो इनटू एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन में कॉन्क्रीट स्टेटमेंट, बट लॉजिक से सिमेट्री से बोला सर पहले भी स्पीड जीरो था ना, स्पीड जीरो था कब, तो जब ये डी पे था, फिर से स्पीड जीरो कब होगा, जब ये डी पे रहा। तो किसी ने अभी बोला था कि सर उधर भी जाकर डी पे ही रुकेगा, वही होगा, सिमेट्री से बोल पा रहे। हमारा काम ये लास्ट स्टेप लेके नहीं है, हमारा काम है एक्चुअली मैक्सिमम लेके, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये क्लियर है कि यू हैव टू कंजर्व एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम बिटवीन द इनिशियल एंड द सेकंड स्टेप। रिसेंटली क्राइटेरिया क्या है बचुआ, ये तो की मोन है, नेट फोर्स अपन बाहर को भी तो मोन है, तो एक्स प्रोपोर्शनल आंसर फोर्स का एक्सप्रेशन की 1 बाय x स्क्वायर, तो 1 बाय x स्क्वायर आ जाएगा, लेट्स 1 बाय 4d, टोटल 4d है, 4d माइनस x स्क्वायर, लगता है एलसीएम एलसीएम लेके तुम्हारा नीचे का x स्क्वायर ऊपर में जाकर x बन जाएगा सर, लग रहा है तुमको, अनलेस अंटिल यू यूज सम काइंड ऑफ वियर्ड एप्रोक्सीमेशंस। नहीं बहुत ऐसे पूछो पूछो, ए बाकी लोग कॉपी करो स्टार्ट, हां तुम निकालो, हो गया, हां तुम निकालो, वहां कितना है ओके, हाउ डू सॉल्व, एनर्जी कंजर्वेशन पैरेलली करते हैं एंड मोमेंटम दोनों अप्लाई करें फॉर द एंटायर सिस्टम, ए प्लस बी प्लस दोनों ही पूरे सिस्टम के लिए अप्लाई हो रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ऑल फोर्स आर कंजर्वेटिव। इनिशियल में क्या आएगा सर, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अब लिखो पोटेंशियल मतलब ऑल पॉसिबल पेयर्स, यहाँ पे ध्यान देना सर, ऑल पॉसिबल पेयर्स में एक दो तीन होंगे, लेकिन थर्ड वाले का लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनली तो वो तो रहेगा अनचेंज्ड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैटर क्या करता है, अल्टीमेटली चेंज, ए बी का पोटेंशियल कभी नहीं चेंज कर रहा, तो उसके लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ए, आई रिपीट, तीन पेयर्स है, ठीक है। चल मैं लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, फाइनली में बात है कि तीनों टर्म्स आएंगे और ए बी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो उनके सेपरेशन को डिपेंड करेगा ना, हाँ वो सेपरेशन तो कभी नहीं चेंज करेगा ए बी का, तो उसका टर्म लिखने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों से कैंसिल होगा, क्लियर है ना। हाँ बोलो, क्या क्या होगा, हाफ, मैं अभी एम ए एम बी एम सी कर रहा हूँ, बाद में सबको सेम कर दूंगा, हाफ एम सी इसका वेलोसिटी वी सी स्क्वायर प्लस, अब ये इंटरेस्टिंग है सर, ए एंड बी विल मूव टुगेदर
तो हाफ ऑफ टोटल मास इनटू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, वी नॉट उनका वेलोसिटी पकड़ा था, ये डायग्राम देखना कैसे किया था, वी सी और इसके दोनों का वी नॉट, मोमेंटम में फिर इनिशियल मोमेंटम जीरो है, रेस्ट पे था, फाइनली एसी का सॉरी सी का मोमेंटम वाज टुवर्ड्स नेगेटिव, उसको नेगेटिव लेते हैं तो माइनस एम सी वी सी प्लस ए एंड बी जो रॉड है उसका टोटल मास इनटू वी नॉट, ये मोमेंटम ऑफ ए प्लस भी आ रही है सी का ऑपोजिट डायरेक्शन इज नेगेटिव, क्लियर है बात? अब मुझे पता है, आई नो सर एक्चुअली एम ए एम बी एम सी सब सेम है इक्वल टू एम, यहां पे क्या जाएगा बीसी विल बी इक्वल टू टू वी नॉट, ठीक है, ये उधर गया टू एम और इसको यहां पे प्लग इन कर दो वापस, पोटेंशियल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा कैपिटल क्यू लिए थे स्मॉल क्यू, के क्यू स्क्वायर बाई एसी का एनर्जी होगा 2D, नहीं 2D कहाँ था 3D, हाँ KQ स्क्वायर बाई 3D, BC का KQ स्क्वायर बाई D, फाइनली KQ स्क्वायर बाई 2D, KQ स्क्वायर बाई 2D, हर एक स्टेप क्लियर रखना, कहाँ से लिख रहे हैं भाई, पिछले वाला डायग्राम देख के लिख रहे हैं, आप लोग डायग्राम देख के लिखो, कोई इजी चीज है, और यहाँ पे MVC स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 2m v नॉट विल बी vc स्क्वायर बाय 4, सॉल्व दिस टू ऑब्टेन vc, आ जाएगा आंसर, नॉट डिफिकल्ट, यहां पे क्या kq स्क्वायर बाय d एंड दिस इज kq स्क्वायर कितना 4 kq स्क्वायर बाय 3d, ये और kq स्क्वायर बाय d 4 by 3 minus 1 मतलब 1/3 kq square by 3d का ठीक है, वैसे क्या इतना सोच रहे हैं, और m vc square ये आपका आएगा 1/4 plus half that will be 3/4, so I guess vc comes out to be calculation में चेक कर लियो under root 2 by 3 देख लेते 3 मतलब 2 सो 2 क्यूब बाय 3 k बाय md, चेक कर लेना एक बार ये आ रहा है कि कैलकुलेशन बस चेक कर लो, प्रोसेस ये है, तो जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम यहां पे भी मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी काइनेमेटिक्स बट ये दोनों प्राइमरी ओके अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ये बहुत टाइम से पेंडिंग है, ठीक है, हम लिए नहीं, ये मतलब बेसिकली बीसी का मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम, तो और एक प्रॉब्लम है अगेन मैकेनिक्स ओरिएंटेड, ये बहुत लोग ही दिखा रहे थे, पता नहीं सबने ये देखा होगा कि नहीं, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, इट्स प्रीटी कॉमन वन, सुनिए जरा, हो गया आप लोग इधर देखो, बोलते हैं सर एक रिंग है, रिंग ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, रेडियस आर, तुम्हारा मेन काम ये रहता है, बोलते हैं सर बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, अंकन नाक सर नाक फोड़ देंगे चुपचाप जा रहे हैं, ऑलरेडी बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन कुछ टेंशन रहेगा अंदर में, ठीक है, दैट विल बी एक्चुअली डिफिकल्ट टू फाइंड, बट क्वेश्चन में यह बोला सेंटर पे और एक एक्स्ट्रा चार्ज लेके आए क्यू पॉइंट चार्ज, आफ्टर आई ब्रिंग दिस व्हाट इज द इंक्रीज इन टेंशन, व्हाट is the increase in tension.
ऑफरिंग आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, क्योंकि एक बार तुम सेंटर पे लेके आए पूरे सिस्टम में इंक्रीज इन टेंशन कितना हो। हाँ बोलो क्या बोलो। हाँ पूरा सिस्टम रेस्ट पे, ठीक है। ऑब्वियसली ये सेंटर पे तो इस पे नेट फोर्स जीरो, बाकी पे भी रिएक्शन, ठीक है। इंक्रीज इन टेंशन ऑफरिंग आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग क्यू, तो वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्टिंग में बहुत डाउट पूछ रहे थे, लेकिन फिर हम बता देते लेकिन यहाँ पे डिस्कस करना भूल जाए। अभी थोड़ा वो मैकेनिक्स रिवाइज होगा, ये बेसिक न्यूटन लॉ का प्रॉब्लम, नो वर्क एनर्जी नथिंग, बेसिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। आई रिपीट, ये पूरा चार्ज है। तो रिंग पे अगर तुम चार्ज देके रखोगे, ठीक है, एनी पोर्शन विल बी रिपेल्ड बाय द अदर्स। रिपल्शन के कारण वो बाहर निकलने का ट्राई कर रहे, बट इट्स अल्टीमेटली हेल्ड एट रेस्ट। कौन रख रहा है? आसपास का टेंशन, इंटरनल फोर्स जो है रिंग के लिए, उसको हेल्ड करके रेस्ट। वो निकाल सकते हो नहीं, वो सॉरी वो निकालना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज एक एलिमेंट्री पॉइंट में बाकी का फोर्स निकालना डिफिकल्ट। अब क्वेश्चन बोले कि सर आप और एक चार्ज देखें, भाई ये बंदा और रिपेल मारेगा, उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन वुड इंक्रीज, वो इंक्रीज पूछ। क्लियर? बॉडी डायरेक्टली टेंशन पूछ देता है, ठीक है, बोलो एक्चुअली ये बाकी के कारण रिपल्शन को इग्नोर कर देता है। प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए सर इंक्रीज इन टेंशन निकल। बात समझ में आई? अब ये पैटर्न किसकी तरह सिमिलर है? सम ऑफ यू वुड रिकॉल 11 में, यस वी हैड दिस प्रॉब्लम, जहां पे एक लूप है ऑफ मास है एंड इट इज बीइंग रोटेटेड विद ओमेगा। पता नहीं कितनों को याद है, इसको आप घुमा रहे हो तो हर एक एलिमेंट पे एक टेंशन आएगा, वो टेंशन निकालना था। अभी 12 में देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइक दिस सेम पैटर्न। अभी यहां पे पूछ रहा है कि टेंशन निकालो, अभी मैग्नेटिज्म में आएगा कि सर करंट रन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अब टेंशन निकालो, ठीक है। वेव के चैप्टर में क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे लेट से आप डिस्टरबेंस की वेव ट्रैवल कर रहा है अलोंग द लूप, अब टेंशन निकालो, ठीक है। हर प्रॉब्लम में बेसिक मेथड वही है, अप्रोच इज सिमिलर। तो काइंडली थोड़ा रिकॉल करना, 11 में सेम प्रॉब्लम था, सेम फॉर्मेट रहेगा, बस अलग तरह से हम प्रोसीड करते हैं। कोई बात सुनने के क्या स्टार्ट, तो जो मैंने बोला अगर मैं नेक्स्ट लेवल जा रहा हूँ यार, आज बिफोर मैं एक डायग्राम यहाँ पे कर लेता हूँ। बिफोर क्यू, मतलब बिफोर क्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, जब क्यू नहीं था उस समय अगर यहाँ पे एलिमेंट लेके, ध्यान देना येलो एलिमेंट, ये एलिमेंट और स्मॉल आर्क लेंथ डीएल, इसका अगर फ्री वॉल डायग्राम करते हो व्हाट वुड इट लुक लाइक, तो जूम करके ये सब यही अप्रोच हमने क्लास 11 में किया था कि सर डीएल कितना भी छोटा हो एट द सेंटर यू विल सबटेंड सम एंगल, लेट्स कॉल इट डी थीटा, आर्क लेंथ इज आर डी थीटा। अब इस पे कुछ एक चार्ज है इन दिस प्रॉब्लम डी क्यू, अच्छा इसको डी क्यू नहीं लिखते, डी कैपिटल क्यू लिखते। डी क्यू कैसे लिखोगे? लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल को लैम्डा आर डी थीटा ये सब लिख सकते हो। आई होप इतने दिन में ये आदत है, नहीं आदत होगा तो आपके जिंदगी में बहुत चाप। अब बिकॉज ऑफ रिपल्शन फ्रॉम ऑल दी अदर चार्जेस, इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, लेट्स कॉल इट डीएफ। ये कहां से आ रहा है? इस तरह बिकॉज ऑफ रिपल्शन फ्रॉम ऑल दी चार्जेस ऑन द सेम रिंग, इट्स अ बिट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, लेकिन लगा नहीं सकते क्योंकि सरफेस नहीं है, ये लेंथ है, ठीक है। आई कैन नॉट अप्लाई द कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, बट सिमिलर अप्रोच, सेम रिंग के बाकी चार्जेस को रिपल कर रहा है, ठीक है। कोई सोचेगा सर इतना कैलकुलेट करते हो और वो एक्चुअली मैसिवली डिफिकल्ट होगा, फिर इंटीग्रेशन विल बिकम वियर्ड, नहीं ये नहीं निकाल पाओगे। लेकिन जो भी ये मेन चीज है इसमें कुछ एक फोर्स है ऑलरेडी, सो डीएफ क्या बाय सिमेट्री बोल सकते, ठीक है। इस एलिमेंट पे इधर फोर्स क्यों होगा? अगर एक एंगल पे हो दैट विल बिकम बायस्ड, एसिमेट्रिक, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री का लॉन्ग ही होगा बाकी लोग मिलके, तो ये डीएफ किसके कारण है? फ्रॉम चार्जेस, अदर चार्जेस कहाँ पे? ऑन रिंग, सेम रिंग पे बाकी है। अब इसको बैलेंस कौन करता है? ये फ्री वर्ड है, क्लास 11 में करते थे,
सर यहाँ पर टेंशन, टेंशन है टेंजेंट टू द लूप, तुम्हारा टेंशन ऐसे काम कर, टेंशन एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं लेने का देवा, एक एंगल में। इन जनरल समबडी माइट अज्यूम कि सर दोनों साइड में टेंशन डिफरेंट होगा, इन जनरल यू मे अज्यूम, लेकिन यू कैन प्रूव कि दोनों टेंशन सेम होंगे, क्यों? सिमेट्री, यस डेफिनेटली, या अदरवाइज इक्विलिब्रियम वाला बात। सर हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स होंगे टेंशन के, वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स। अब यही चीज हम लोग करते थे, थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, टी का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट आएगा थोड़ा ज्योमेट्री लगाना, दैट विल एक्चुअली बी टी साइन डी थीटा बाय 2। किसी को याद करना है थोड़ा रिकॉल करना, यू कैन जूम इनटू द फिगर, ऑलरेडी जूम्ड है, नहीं हमको यहाँ पे छोटा दिख रहा है। वर्टिकल के साथ सेमी वर्टिकल एंगल विल बी डी थीटा बाय 2, ठीक है, ये वाला, दिस वुड बी सेम एज दिस, देख के नहीं लग रहा है लेकिन, ठीक है, ये और ये सेम होंगे ऑल्टरनेट, ये आपका 90 माइनस दैट, और ये भी सेम। तो अगर मैं d थीटा बाई 2 दिखाऊं, ये दोनों सेम है, और ये सेम, दिस कॉम्पोनेंट विल बी t cos d थीटा बाई 2, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स वाज बैलेंस क्योंकि सर इक्विलिब्रियम में, सो इधर t cos d थीटा, इधर भी एंगल d थीटा बाई 2 ही आएगा सर, ठीक है, इधर भी होगा t cos d थीटा बाई 2, टेंशन मस्ट बी सेम, नहीं तो अगर सब T1 पकड़ लेते हो, T2 पकड़ लेते तो अनइक्वल हो जाता, तो मैथमेटिकल लॉजिक है सर, टेंशन सेम हो। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बैलेंस्ड बाय TNT 2T sin d3 / 2, ऑब्वियसली वी अप्रोक्सीमेट। हम लोग बोलते हैं कि सर एक्चुअली क्या होगा, 2T सर एंगल इज वेरी स्मॉल, साइन ऑफ अ वेरी स्मॉल एंगल इज द एंगल इटसेल्फ, ठीक है, इन रेडियंस, so 2t d theta by 2, so t d theta will be actually this electrostatic force, okay, exactly, बात है जो मैंने बोला, ये पूरा डिस्कशन बिफोर क्यों है, ना आपको DFE पता है ना T पता है, आप घंटा निकालोगे कुछ नहीं, बात है नेक्स्ट टाइम जब आप स्मॉल q को इंट्रोड्यूस करोगे एंटायर डायग्राम वुड रिमेन सेम बट एवरी फोर्स विल चेंज बाय स्मॉल अमाउंट। तो मैं को नेक्स्ट स्लाइड में खत्म कर देता हूं, आफ्टर क्यू इज इंट्रोड्यूस्ड, अब मैं पूरा तोड़ तोड़ के नहीं करूंगा, आई जस्ट जंप, ठीक है, जिसे पिछली बार मैंने तोड़ के दिखा दिया, आफ्टर क्यू इज इंट्रोड्यूस्ड बस इतना समझ लेना सर, इस बार फ्री वर्ड डायग्राम देखोगे समवॉट लाइक दिस, DFE पहले वाला फोर्स था, नया वाला फोर्स को मैं बोला DF नॉट या DF क्यू बोलते, ये एक्स्ट्रा फोर्स किसके कारण है, अब यहां पे क्यू भी बैठा हुआ है, ऑल दी अदर चार्जेस प्लस क्यू का फोर्स, ठीक है, अगेन कौन बैलेंस कर रहा है, ऑब्वियसली अगर ऊपर में फोर्स बैलेंस किया टेंशन हैज टू इंक्रीज, सो द न्यू टेंशन वुड बी टी प्लस, लेट्स कॉल इट डेल्टी, टी प्लस डेल्टी करते, ओके, अगेन तुम कोई नहीं चेंज समझाने के लिए डीटी कर सकते हो, किसी को दिक्कत हुआ तो कोई इश्यू नहीं, I'm just हाँ बात है small change ही होगा। Vertical component once again पिछले बार की तरह आएगा T sine, और ये angle फिर से आपका d theta by 2, ये component क्या आएगा T plus delta, the new tension sine of d theta by 2, once we balance the vertical components expression exactly यही format का होगा, I'm skipping all this part, format का, format as in ऊपर का फोर्स DFE प्लस DFQ विल बी इक्वल्स टू T प्लस डेल्टी, ऊपर स्किप कर दिए हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले लिए, सो टेंशन डी थीटा ऊपर का फोर्स, अब बात है कि DFE इज ऑलवेज इक्वल्स टू T डी थीटा, ठीक है, वी ऑलरेडी नो सर दीज टू टर्म्स आर इक्वल, ये कट जाएंगे तो DFQ विल बी डेल्टी डी थीटा, सो डेल्टी आपको निकल गया, करो यही करो कुछ नहीं, सो DFQ आप कैसे निकालोगे, अब इजी है, इसका आपने चार्ज डी कैपिटल क्यों लिखा था, यूज के क्यू बाई आर स्क्वायर, अंडरस्टैंड इसका एक्सप्रेशन लिखना इजी है बिकॉज ये पॉइंट चार्ज है, DFE का एक्सप्रेशन लिखना डिफिकल्ट है बिकॉज सो मेनी चार्जेस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, सो ये सिंपल है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव मारना मत शुरू कर देना, ठीक है, सर सॉरी DFQ D थीटा डेरिवेटिव कोऑर्डिनेट, नहीं ठीक है, नो द एक्सप्रेशन, सो के
डी कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर रेडियस डी थीटा। डी क्यू के एक्सप्रेशन में ऑलरेडी लैम्डा डी थीटा था, डी क्यू बाई डी थीटा विल बी लैम्डा आर, तो एक्चुअली बिकम्स डी क्यू बाई डी थीटा विल बी लैम्डा आर, सो के लैम्डा एक आर कड़क के लैम्डा क्यू बाई दैट इज अ इंक्रीज इन टेंशन। यस उसमें भी इतनी सिंपल आता था के लैम्डा क्यू बाई आर, कुछ मिस हो रहा है नहीं। नेक्स्ट ये असाइनमेंट में था किसी एक में, मैं जो पहले दिया था आज मौका मिला। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोला गया सर यू हैव अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अच्छा तो सुनिएगा चुपचाप, इंजन इट लुक्स लाइक दिस, ईच साइड नॉट पिरामिड, ईच साइड इज अ ट्राइंगल, इट बेसिकली हैव फोर ट्राइंगुलर फेसेस, ट्राइंगल सब इक्विलेटरल है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे हो क्या रहा है, बड़ा डायग्राम करें, फॉलो करना। हाँ सुनो, जो टेट्राहेड्रॉन है ईच साइड ईच एज ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, क्या लाइट रिजिड काफी मासलेस स्ट्रिंग ही लेते हैं। मैं पहले रॉड से लेता, रॉड की जो होती है स्ट्रिंग ही रहे, तो मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं पूरा ड्रॉ नहीं किया, रुक जाओ, एंड एट ईच वर्टेक्स देयर इज अ चार्ज, ओके, कंप्लीट डायग्राम वुड लुक समवॉट लाइक फॉलो करने ट्राई करना, दिस इज 3D, ओके, पीछे वाला चार्ज थोड़ा छोटा है, 3D है थोड़ा। इन टोटल यू हैव फोर चार्जेस, मास सेम चार्ज क्यू ईच वन, सबका मास सेम है चार्ज क्यू है। अच्छे से आप समझ लो, तो टेट्राहेड्रॉन मैंने कैसे बनाया है, ईच पॉइंट चार्ज इज कनेक्टेड टू द अदर, ठीक है, एंड देयर आर लाइक 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग्स, समझ में आ रहा है कैसे। टेट्राहेड्रॉन इस फिगर को बोलता है जहां पे चार ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, एक दो पीछे वाला और नीचे वाला, या फोर ट्रायंगुलर फेसेस, All triangles are equilateral. Each edge is a massless string. अच्छा length पता है, length L, ठीक है। हर एक vertex पे mass है, mass small m, charge q. Now किसी एक pair को देखो, ये question बोला नहीं है, मैं बस ये analysis खुद करवा दे रहा हूँ। Because of mutual repulsion, string already taut रहा है, string loose होने का scene भी नहीं आ रहा, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता हर एक पेयर के लिए, आप देखोगे इधर इधर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जितना इलॉन्गेट होना था हो चुका है इनएक्सटेंसिबल। मेन चीज है द स्ट्रिंग्स आर नॉट बिकमिंग लूज, गॉट इट, सब सबको रिपेल कर रहा है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन। इनफैक्ट सोचो ना, अगर अगर लेट्स से ये स्ट्रिंग्स नहीं रहता है, चार्ज चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आया एंड रिलीज कर दिया, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन एवरीबॉडी विल फ्लाई अवे, सब लोग भाग जाएंगे ना, बात क्लियर है ना। तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फ्लाई अवे, तो सब पे सब स्ट्रिंग क्या है टॉट है, ऑल स्ट्रिंग्स आर टॉट, कोई लूज नहीं, ठीक। हम नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन, सुनो बोलते हैं कि चाचा बी ए डी जो स्ट्रिंग है उसको मैंने काट दिया, ठीक है, ये सिस्टम स्पेस में आउटर स्पेस में फ्लोट कर रहा है, नो ग्रेविटेशन बन सकते हैं, ठीक है, ओके, तो टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, बाहर में आपने एडी स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग इज कट, अब आगे इसको काट दिया, ठीक है, यू हैव टू एनालाइज द सब्सिक्वेंट मोशन, एनालाइज द मोशन ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोशन एनालाइज करो, पूरे सिस्टम का सोचना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग कट करने के बाद एक स्ट्रिंग कट किया, सब नहीं, एक
क्या होगा एंड इवेंचुअली इवेंचुअली कहा गया यू टू फाइंड वंस अगेन फाइंड मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय ईच पार्टिकल नहीं वो डायग्राम ऐसे दिखाया हुआ तीन चार सही रहे वो अच्छा मैंने तुम लोग को इजी वाला दिया था मैंने ट्रायंगल वाला दिया था ट्रायंगल वाला दिया था कि डेट्रोहेड्रो और ना वो नहीं और उसके नीचे देखो वो डेट्रोहेड्रो वहाँ का डेट्रोन गंदा है देखने में अरे वो गंदा है भाई ठीक है आई टू फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एटॉमिक पार्टिकल तो ये थोड़ा बॉर्डरलाइन एडवांस क्वेश्चन है बट वही पुराने वाला मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है रिपीटेड एप्लीकेशन हो रहा है क्वेश्चन फटाफट कॉपी कर लो ठीक इसमें डिस्कशन करते हो ये 2D से ज्यादा ये 3D में जा रहा है क्या भाई इन लोगों में फोड़ दूंगा सबको बोलता हूँ सर सिलेबस और डेट सब मतलब नहीं तुम लोग क्या सुनोगे हम पढ़ाते थे कि हमको मजा है हमें बोला मामी मजा पहले जल्दी कब सोचे कब टीचर बनना है जब हम 12 पास किए थे सुनो भाई आपने बीच में डिस्कनेक्ट किया ना एनालिसिस स्ट्रिंग का अरे मैंने बेसिकली एक ही बात है स्ट्रिंग काट दोगे दैट विल बिकम लूज ठीक है तो वो ऐसे से पर मासनेस उसका कोई रोल नहीं है आप सुनिए बात वन साइड डिस्कनेक्ट How the process starts, step by step, ठीक है? पर analyze करते हैं। System दिख रहा है कैसा? पहले आप इस बार शांति से बैठ के copy ना करके अभी सुन लो, फिर बाद में जब copy करो जल्दी copy करना। सुनिए। Like अगर थोड़ी imagine करो कि it's easy to imagine, लेकिन हमको समझाना है तो मैं थोड़ा इधर उधर से दिखा के draw करना। सुनो। It's better if you take this line BC and if you look down this line. ठीक है आप इधर से देखो देखना शुरू करो प्रॉब्लम को क्लियर है 3D है ऐसा सिस्टम बना हुआ है इधर से देखना शुरू करो नाउ सर ये एक ट्रायंगुलर फेस है नीचे एक ट्रायंगुलर फेस है दोनों के बीच में एक एंगल है इनिशियल सिचुएशन कैसे ऐसे ही है ना टू ट्रायंगल फेसेस एट एन एंगल स्टार्ट हो रहा है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं चलो ये What it look like? ऐसे कुछ सुनिएगा अच्छे से सब मैंने जब प्लेन्स के बीच का एंगल निकालो 60 आ जाएगा और नो टेट्राहेड्रॉन प्लेन्स के बीच का ना नहीं लाइंस के बीच का नहीं लेकिन प्लेन्स के बीच का और ना लाइंस के बीच का एंगल 60 होगा ठीक है प्लेन्स के बीच का नहीं प्लेन्स के बीच निकालना पड़ेगा देखते हैं रुक जाओ नहीं नहीं बात है अरे रुको ना बाबू डायग्राम करके सुन लो मैं इस प्लेन को देख रहा हूं आई एम लुकिंग अलोंग दिस लाइन तो बी एंड सी दे आर कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन डी इधर कहीं पे बेसिकली ये लाइन स्ट्रेट नहीं है मैं अगर इधर से देख रहा हूं यहां पर कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस समझ रहे हो लेट्स से दिस इज एक्स दिस इज वाई एक्स वाई एंड जेड ठीक है, Y and CD line is not parallel, CD inclined over, ठीक है, BC is along X-axis, so let's say X-axis they coming out of the screen, ये नीचे वाला triangle basically यहाँ पे होगा, समझ रहे हो ना, ऐसे करके, हाले समझा दें exactly खुले, हाले, ठीक, बहुत सुंदर, तो जो दूसरा वाला face है
द फेस ए बी सी इट बी इंक्लाइन लाइक दिस, ठीक है, ए बी सी वाला फेस ऐसे, ठीक है, एक्चुअली मैटर नहीं करेगा क्या एंगल है बिकॉज इट विल बी इंडिपेंडेंट फॉर डिस्कशन, बट स्टार्टिंग में द इनिशियल स्ट्रेट लुक्स लाइक दिस इफ यू लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ वाला ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब तुम लोग ये और ये कोरिलेट कर लें, इफ आई लुक डाउन द लाइन बी सी तो डायग्राम लुक्स लाइक दिस, चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, दो चार्जेस बैक टू बैक यहाँ पे है, ठीक है, बी एन सी पे, एक चार्ज यहाँ पे विच का स्ट्रिंग कट चुका है, अब स्टार्ट एनालाइजिंग, एनालाइज कैसे करोगे सर इस चार्ज को, ये चार्ज रिपेल तो करेगा ही अभी भी, सो फोर्स लाइक दिस एंड रिएक्शन फोर्स लाइक दिस, क्लियर है, गॉट इट, अब सर अबाउट दिस लाइन, अच्छे से सुनिएगा, अबाउट दिस लाइन सोचोगे अगर सर इस फोर्स के कारण टॉर्क आएगा, इसके कारण टॉर्क आएगा, इट मेक्स सेंस कि बोथ द आर्म्स विल स्टार्ट रोटेटिंग, बोथ द आर्म्स, लॉजिक फॉलो करो, आई रिपीट, अलोंग दिस लाइन बी सी इस फोर्स के कारण भी टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज इस फोर्स के कारण टॉर्क है, क्लॉकवाइज बोथ आर्म्स बोथ द फेसेस विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग आउट, सो एक्चुअली सब्सिक्वेंटली हम लोग पहले फॉलो करो बाद में कॉपी करो, यूड सी समॉट लाइक दिस, अगर मैं ओ माय गॉडनेस दिस विल बी टेलीबरी डिफिकल्ट टू डू, नहीं लूज जाओ बोल, ये दोनों फेसेस ऐसे सब्सिक्वेंटली क्या होगा आफ्टर सम टाइम द फेसेस विल ओपन अप, दोनों ओपन अप करेंगे, ये भी रिपल्शन कारण घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, नाउ इफ दिस टू फेसेस दे स्टार्ट मूविंग आउट इन सब्सिक्वेंट मोशन दे विल एक्वायर सम वेलोसिटी, राइट, कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेंगे किसी एक डायरेक्शन में, कुछ एक वेलोसिटी Make sense कि they acquire velocity like this, in this direction, right? They are opening up now, they somewhat like this. ऐसे नहीं कि 90 degree, not necessarily, ठीक है? But कुछ एक ऐसा acquire तो करेंगे velocity. It implies that the system has a net momentum in this direction. Understand this. अगर ये दोनों faces open up करते हैं, जो कि करेंगे, these two charges will acquire velocities like this. एक component इधर आ जाएगा ना? These components will cancel off momentum. लेकिन इन दोनों component आ जाएगा. मतलब the system will acquire a net momentum in this direction. That is not possible because net external force पूरे system पे zero है. Momentum initial must be equal to momentum final. मतलब momentum actually zero होना चाहिए. क्योंकि starting में rest में था. That means, sir ये जो B and C है ना, ये लोग fixed नहीं है. Once you remove this, ये लोग इधर आ रहे हैं. And he is by symmetry, he is moving along this line. तो ये भी इधर आ, तो एक्चुअली आई रिपीट यू कैन डू दिस, एक्चुअली दिस अनदर ड्राइंग इट, दोनों फेसेस को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, एफ एक्सटर्नल जीरो क्यों है मैं बोलूं, इस सिस्टम पे नेट फोर्स किधर एक्सटर्नल कहां है बताओ, बस तो जीरो ये भावे बोलो, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब यू कैन कंजर्व मोमेंटम, किसका, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था, होल सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल रेस्ट पे था तो जीरो होना चाहिए, अब ये डायग्राम फॉलो कर रहे हैं, मेनी वेज ऑफ शोइंग, एक बार सुन लो, एक आप डाउट बोले रुक जा, इनिशियल स्टेट ऐसा है, ये मैं कैसे ड्रॉ किया, इसी में तुम एक लाइन ऑफ सिमेट्री लेके इधर देखो, समझ रहे हो क्या किया, इस डायग्राम को घुमा दिया, बात क्लियर है, ये डायग्राम मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, अब तुम देखो सब्सिक्वेंट मोशन में क्या हुआ, दे एक्वायर वेलोसिटी लाइक दिस, पक्का, आप तुम सोचो इन लोगों का मोमेंटम का कंपोनेंट इधर और इधर आएगा ना, दे एक्वायर अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो सिस्टम पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, इसका इंप्लीकेशन है कि सर ये भी इधर जा, अगर जीरो करवाना है दिस हैज टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब subsequently you would see somewhat like this, ऐसा कभी ना कभी इस तरह से होता तो it's clear कि it will become straight, this is entire journey, क्या move नहीं करेगा, center of mass somewhere here maybe, वो move नहीं करेगा, sir external force zero, sir ACM zero, you know finally
बॉडी सिस्टम ऑफ 3D है, 3D के अंदर ही रहे। हाँ बोलो। दे आर इंटरकनेक्टेड बाय अ व्हाट? नहीं चलो somewhat like this, ठीक है? मतलब इस डायग्राम को elaborate किया, तो subsequently ये होगा, ये लोग इधर जा रहे हैं, कभी ये vertical होंगे, मतलब ये vertical नहीं रुके, थोड़ा slightly bent, फिर वो लोग इधर जाएंगे, रुकेंगे, फिर आओगे, come back, the entire system oscillates like this, ठीक है? मतलब दो जो triangular faces हैं, वो लोग कभी एकदम open up करके एकदम vertical हो जाएंगे, then move on to the other side, then again become vertical, then again closer, by energy conservation इधर जैसा सिचुएशन था जब ऑपोजिट में सेम सिचुएशन होगा तो विल स्टॉप, ठीक है? ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट पे ही आएगा, बीच में इन दिस सिचुएशन इट विल एक्वायर मैक्सिमम वेलोसिटी। बात क्लियर है? ठीक है, मैक्स सिस्टम नोड चला, सिस्टम नोड चला, क्या नाम बोली थी? तो वेलोसिटी और वेलोसिटी ऐड करो आपका नेट हो जाएगा। देखिए सोचो सोचो, नहीं जो सोच रहा सोचो, तुम्हारा अपना डाउट ही क्लियर होगा, तुम लोग खुद को कंफ्यूज करके रखते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। VCM0, VCM0 does not mean V1 V2 zero, they are equal and opposite, M1 V1 plus M2 V2 by total mass, velocity is opposite है। VCM0 individually they can move, भाई ये डाउट यहाँ पे क्यों आना चाहिए? सर इस प्रॉब्लम में तो वही देख रहे थे, सर इस प्रॉब्लम में तो वही देख रहे थे, एसीएम कभी नहीं मूव कर रहा, लेकिन इंडिविजुअली तो वेलोसिटी है, तुमको क्या पूछा है इस प्रॉब्लम में? वो क्या पूछा था? वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ ईच पार्टिकल, ईच पार्टिकल की वेलोसिटी तो होगा, इन मैक्सिमम वेलोसिटी इस केस में होगा जो मैंने बोला, इस केस में कैसे होगा डायग्राम? ये दोनों चाचा पीछे जा रहा है एंड बी एंड सी मिलके सामने जा रहा है, ये ए और डी है, देखने में एक्चुअली कैसा है 3D में, टू ट्रायंगुलर फेसेस दे आर एक्चुअली बिकमिंग वर्टिकल, ये मैक्सिमम का सिचुएशन है, एक बार पूरा चीज बोल लेंगे, रुक जाओ, ठीक है? ओह माय गॉडनेस, सबके मैक्सिमम होगा ड्यूरिंग दिस ऑसिलेशन, ये जब सिचुएशन होगा सबके मैक्सिमम होगा, क्यों? हम ऐसे समझाते हैं, फोर्स ऑलरेडी एक बार समझाया, टॉर्क से भी समझाया, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बोल दिया, ये नया लॉजिक यूज करते हैं, सीखो, ठीक है? सर के प्लस यू मस्ट बी कांस्टेंट, राइट? दिस इज एंटायर जर्नी, सर यू जब मैक्सिमम होगा के मिनिमम होगा, राइट? के मिनिमम मतलब यू मैक्सिमम, सर यू मैक्सिमम कब होगा? अच्छा हम लोग तो मैक्सिमम होना चाहिए, के मैक्सिमम मतलब यू मिनिमम, उसके लिए बात कर सकते हैं, लेकिन चाहिए नहीं। अच्छा यू मिनिमम कब होगा? व्हेन सेपरेशन इज मैक्सिमम, क्योंकि यू के एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में आर आता है, आर जब मैक्सिमम होगा यू मिनिमम होगा। एक चीज नोटिस करो, थ्री डी में आप सोचना जरा, एज द टू फेसेस ओपन अप, ए बी बी सी ए सी बी डी सी डी, ये किसी का सेपरेशन क्या बदलेगा विद टाइम? Because string is still present. यहाँ पे भाई किसका separation बदल रहा है? A and D. A and D का ही separation change कर रहा है. मतलब जो potential energy का change है, it's arise नहीं है. Any delu, पूरे system के अगर मैं delu का बात करूँ, it is only due to delu of
ए एंड डी ओनली, क्योंकि बाकी लोगों तो सेपरेशन ही नहीं चेंज कर रहा। तो ए एंड डी का मैक्सिमम सेपरेशन कब हो रहा है, व्हेन दे आर वर्टिकल। अगर वो इंक्लाइंड है ठीक है, तो ए एंड डी के बीच का सेपरेशन छोटा ही होगा। व्हेनेवर द टू फेसेस बिकम वर्टिकल तब ए एंड डी का सेपरेशन इज मैक्सिमम। तो दिस स्टेट इंप्लाइज मैक्सिमम सेपरेशन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो गारंटी यही स्टेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का स्टेट। यू कुड यूज अ लॉजिक लाइक दिस। आप फोर्स से बोल सकते थे, आप टॉर्क से बोल सकते थे, दिस विल बी द स्टेट। टॉर्क से बोलकर कुछ बोलते वहां पे ठीक है। तो फोर्स से बहुत तरीका आइडिया है, हम एनर्जी वाला आइडिया यूज कर। आई डोंट वांट टू गो इनटू एक्सीलरेशन एंड वो डीपी अपॉन डीटी करके नहीं, ऐसे। अब बस तुमको क्या करना है, कंजर्वेशन एनर्जी एंड मोमेंटम, दैट्स इट। ये पूरा बैकग्राउंड था। Yes, yes. मोमेंटम वाला मैंने यहीं पे लिख दिया ठीक है। MM, MB1, MB1 और ये आपका MM है, तो यहाँ पे 2MB2 ठीक है। मैंने मोमेंट वाले यहीं पे लिख दिया, P initial equals to P final equals to 0, P final का expression है equals to 0। Luckily यहाँ पे कोई component वो सब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि maximum state में जब देखेंगे सब velocities horizontal है। So ultimately every particle has the same speed as the system, same speed है, direction उल्टा है। तो ये पढ़ भी copy कर लेना इसमें। अब बस एनर्जी लिखना, नहीं पहले वाला डायग्राम मिटा रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन, वी इनिशियल इक्वल्स टू यू फाइनल। एज आई सेड अर्लियर, पोटेंशियल बस एडी का चेंज करो तो सिर्फ एडी का लिखो। एडी का क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए एंड डी। इनिशियली वो टेट्राहेड्रन के साइड था, साइड लेंथ एल, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं इनिशियली। फाइनली फाइनली मतलब ये वाला स्टेट, इस स्टेट में एटी का काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वन सेकंड। तो केक्यू स्क्वायर बाय इस पर डिस्टेंस क्या होगा, 2L। बाकी लोग का लेने की जरूरत भी नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी भाई सबका स्पीड सेम है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इसका इंटू 1, 2, 3, 4 चार पार्टिकल्स 4 times ठीक है। बस यहां से वी नॉट आ गया। प्रैक्टिकली सोचो प्रॉब्लम कितना मैथमेटिकली इट्स सो इजी ठीक है। एडवांस के प्रॉब्लम्स नॉर्मली जो आते हैं वो इस टाइप को होते हैं कि सर मतलब कैलकुलेशन से तो बहुत टिपिकल ना, कुछ सोचना पड़ेगा। एंड जो बॉर्डरलाइन मेंस केसेस होते हैं वो ऐसा होता है। तो मैकेनिक्स के बंच ऑफ प्रॉब्लम्स है, आप बस इसको मैं बारह बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी मिला आप रिपीट करो ये टाइप्स, और टाइप्स को रिपीट करो ताकि आपके दिमाग में ये सब चीज़ घूमे ठीक है। हाँ जब हम लास्ट दिन डिस्क्रीट टक ऑर्डर में ना वो हाँ रहता है इसलिए तो कुछ कुछ बिल्कुल वो सब करवा देते हैं, भूल भूल मैथ्स वाले। काइनेटिक एनर्जी सबका लेना है, चार पार्टिकल्स है ए बी सी डी, सबका स्पीड सेम होगा ठीक है। क्या नहीं नहीं इसी स्लाइड में कर रहे हैं, तो यहाँ से निकल ही जाएगा। कितना है k स्क्वायर बाय 12, 2 2 कटा v नॉट स्क्वायर वुड बी k स्क्वायर बाय 4 ml क्या चार, दैट इज इट।